नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जी हां, कच्चे पपीते का ये ड्रिंक तुरंत होगा गठिया रोग का सफाया। जी हां, गठिया के दर्द से बहुत सारे लोग पीड़ित रहते हैं, इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वॉइस ओवर है। आपने देखा होगा कि खास करके बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनके पैरों में गठिये का दर्द रहता है, जिसके कारण उनको असहनीय पीड़ा से कराहना पड़ता है। चीख पुकार के कारण घर वाले भी मानसिक रूप से परेशान रहने लगते हैं और उनके इलाज के लिए कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता है। इसी कड़ी में आइए आज हम आपको एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस ड्रिंक को पीने से एक हफ्ते में ही काफ़ी आराम आपको हो जाएगा। जी हाँ, वो ड्रिंक है कच्चे पपीते का ड्रिंक, जो कि गठिया के दर्द का रामबाण इलाज है। गठिया का दर्द जितना भी पुराना हो, ये ड्रिंक पीने से ज़रूर ठीक हो जाता है। गठिया का दर्द अगर रह रहकर पैर की उंगलियों, घुटनों और एड़ियों में दर्द होता है, तो समझ जाइए कि आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। जब यूरिक एसिड हाथ पैरों के जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जम जाता है, तो उसे गठिया की बीमारी कहते हैं। गठिया के दर्द को अनदेखा करने पर उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल समस्या को कच्चे पपीते का ड्रिंक दूर करने में मदद करता है। अगर आपको हम जो बता रहे हैं इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं, तो आपको जरूर गठिये के दर्द की समस्या है। ऐसे में ये पपीते का ड्रिंक बनाकर पीजिए, गठिये के दर्द में आपको आराम मिलेगा। आइए सबसे पहले संकेत और लक्षण जानते हैं। गठिया का दर्द अलग अलग स्तरों पर होता है, जैसे कि सूजन, जोड़ों की कठोरता और जोड़ों के आसपास निरंतर दर्द, ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं। हाथ का उपयोग करने में असमर्थता, पैरों में दर्द के कारण चलने में समस्या, हमेशा थकान रहना, बुखार, अनिद्रा, मांसपेशियों में दर्द और बदन दर्द, शरीर में जड़ता, ये सारे गठिया के लक्षण हैं। अब आइए जानते हैं इस रोग के कारणों के बारे में। शरीर में एस्ट्रोजन की कमी के कारण आर्थराइटिस होता है, ये समस्या महिलाओं में अधिक होती है। थायराइड के कारण भी यह बीमारी आपको हो सकती है। त्वचा या खून संबंधी बीमारी होने पर भी हड्डियों के जोड़ों में दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है। कई बार शरीर में आयरन और कैल्शियम की अति होने से भी यह समस्या आपको हो सकती है। पोषण की कमी के कारण भी कई बार ह्यूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन, गांठों में अकड़न आ जाती है। कच्चे पपीते का ड्रिंक बनाने की अब विधि जानते हैं, क्योंकि इसी से आप अपने गठिया रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले 2 लीटर साफ पानी ले लीजिए और इसको उबाल लीजिए अच्छे से। जी हाँ, बर्तन को क्लीन कर लीजिए और उसमें पानी को लेकर के उबाल लीजिए। इसके बाद एक मध्यम आकार का कच्चा पपीता लीजिए और उसे अच्छी तरह से धो लीजिए। फिर पपीते के अंदर से बीज निकालकर उन्हें फेंक दीजिए। इसके बाद पपीते के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इन पपीते के टुकड़ों को उबलते पानी में डालकर 5 मिनट तक और उबाल दीजिए। फिर इस उबले पानी में 2 चम्मच ग्रीन टी की पत्तियाँ डाल लीजिए और थोड़ी देर के लिए उबाल लीजिए। इस पानी को छान लीजिए और ठंडा होने दीजिए। ये आपका ड्रिंक इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। इस पानी को आप दिन भर पीते रहिए। जी हाँ, जब आपको प्यास लगे तो इस ड्रिंक को पीजिए। आपके जोड़ों का दर्द आप खुद ही देखेंगे कि कुछ एक हफ्तों के अंदर ही आपको फायदा नजर आने लगेगा, जोड़ों के दर्द आपका मिट जाएगा। जी हाँ, बस आपको इस पानी को लगातार पीना है, निरंतर। जैसे नॉर्मली आप पानी पीते हैं वैसे इसका इस्तेमाल करें, आपके जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। आर्थराइटिस होने पर आपको असहनीय दर्द हो रहा हो और इस ड्रिंक के सेवन के बाद भी आराम न मिले, तो चिकित्सक से आप जरूर संपर्क करें। वैसे तो ये बहुत ही कारगर दवा है इसके लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए, जिसके सहारे आप अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।